This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आज 24 दिसंबर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की राष्ट्रीय खबरों की ये एपिसोड आज मैं कौशिक और मेरे साथी पापिया आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं राजनीति से जुड़ी देश की कुछ खास खबरें। आइए देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर में 126 साल पुराने चर्च को 35 साल बाद फिर से खोला। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाहुर अहमद ने बताया, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यहां प्रार्थना होगी। पंजाब में कुछ दिन पहले बेअदबी का माहौल देखा गया और अब विस्फोट की खबर आई है। लुधियाना के जिला अदालत में हुए ब्लास्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हुई, ऐसा लग रहा है कि वो बम को ऑपरेट कर रहा था। उसके अलावा 5 लोग घायल हुए हैं, चोटें गंभीर नहीं हैं, वे खतरे से बाहर हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम को कोलकाता नगर निगम का मेयर घोषित किया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए साल भर में 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में एम्स की एक शाखा खोलने की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। अब आइए देखते हैं काम की कुछ खास खबरें। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की पुनर्परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 का री एग्जामिनेशन का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 28 नवंबर 2021 को ये पेपर चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण सरकार ने इसे रद्द कर दिया। अब नए सिरे से एग्जाम सेंटर्स का निर्धारण और एडमिट कार्ड्स का वितरण होगा। इसके साथ अभ्यर्थियों को कई और सुविधाएं भी दी जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। सरकार ने परीक्षा संस्थानों को तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दे दिया है। अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है, जहां आरबीआई का नया नियम डेबिट क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए नए ऑप्शन मिलेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले अधिकतर लोग अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सेव करके रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के एक नए नियम के चलते यह व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन इसके बदले में आपको कुछ नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन असली कार्ड डिटेल्स को एक कोड से बदल देगा, जिसे टोकन कहा जाएगा। ये कोड आपकी कार्ड डिटेल टोकन की रिक्वेस्ट करने वाले और जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट की गई है उसकी डिटेल्स का एक अनोखा मिश्रण होने वाला है। ये प्रक्रिया आपको नई सीखनी पड़ेगी। अगली खबर महंगाई से जुड़ी हुई। आम आदमी को अगले महीने यानी 1 जनवरी 2022 से हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए महंगाई का एक ज़ोरदार झटका मिलेगा, जहां कपड़े और जूते खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर GST की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बेशक बढ़ेंगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। इस टैक्स स्लैब में नया बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जल्द ही अभिनंदन गुप्ता द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फतेह में नजर आने वाले हैं। वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में अभिनेता को एक्शन अवतार में देखा जाएगा। सोनू ने कहा कि कहानी ने मेरी रुचि को बढ़ा दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था। मैं इस विचारोत्तेजक कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। कपिल के डेविल्स बुधवार की रात मुंबई में साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के लिए अपनी पत्नियों के साथ रेड कार्पेट पर पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में रणवीर सिंह ने अपने 83 सह कलाकारों और 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के मुस्कुराते हुए सदस्यों को बधाई दी। रणवीर की पत्नी और फिल्म की सह निर्माता दीपिका पादुकोण ने अपनी आकर्षक लुक, लहराते बालों, ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन और डायमंड नेकलेस से सबका दिल जीत लिया। दीपिका ने 1983 की टीम के कप्तान कपिल देव की पत्नी रोमी देवी की भूमिका भी निभाई है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस का नाम आने के बाद वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामला 200 करोड़ रुपए का है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से मिले सभी उपहार जब्त करने की प्रक्रिया में है। आइए देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां विश्व की सबसे बड़ी लीग आईपीएल के आगामी सीजन 2022 की मेगा ऑक्शन की तारीखें सामने आ चुकी है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि नीलामी 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन दुबई में किया जाएगा, लेकिन अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर भारत में कोरोना से हालात नहीं बिगड़े तो ऑक्शन भारत में ही होगा। अगली खबर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज को लेकर है। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 मैचों के टेस्ट सीरीज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी ये वजह है कि टीम इंडिया आज तक साउथ अफ्रीका से कोई भी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं जीत पाई है। क्या इस बार भारत इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूर्व हेड कोच रहे रवि शास्त्री ने यह बताया है कि इस बार टीम में युवा जोश है, क्या पता भारत जीत भी जाए। अगली खबर आईपीएल के नए सीजन से पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमें खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने एक नई जानकारी साझा की, जिसके तहत वेस्ट इंडीज़ के टॉप बल्लेबाज रहे ब्रायन लारा को बैटिंग कोच के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं डेल स्टेन को यहां पे बॉलिंग कोच के लिए नियुक्त किया गया है। साइमन कैटिच जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहे हैं उनको असिस्टेंट कोच बनाया गया है और टॉम मूडी को यहां पे हेड कोच बनाया गया है। इससे सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ी बहुत मजबूती मिलेगी। आज की तारीख का संबंध है नेशनल कंज्यूमर्स डे से। एक ग्राहक के क्या अधिकार होते हैं ये बताने के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देखकर ग्राहकों के अधिकारों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो भी लोग न्यूज़ देखते हैं उनके लिए हमने एक नई तरह की नेशनल न्यूज़ बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके विचार हमारे लिए काफ़ी कीमती हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने विचार व्यक्त करें। और अगर ऐसे ही आपको खबरें देखते रहनी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लोकल टीवी को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाए। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।